I think they'll have a major problem. And to talk about that, we have our old friend from the Congress, Mr. Raju Vaghmare. Raju Vaghmare Saab, Namaskar. Namaste, sir ji. Namaskar, sir. Vande Mataram, sir. Vande Mataram. Namaste, namaste, sir. Sir, he's always so impeccably dressed, isn't it? I mean, look at the color combination. Absolutely. Look at everything. He looks so good. He's Oxford return. He's come back from US. Thank you. Looks as though he's ready to go for a party right now. You know, just after this, he'll be going to a lovely champagne party somewhere. After this, I'm going for another TV show. Wonderful, wonderful. That's also like a party. So, Vaghmare Saab, Bharatiya Janata Party कहती है कि भाई कांग्रेस भले 500 रुपए में सिलेंडर दे, हम लोग ऐसे झूठे वादे नहीं कर सकते. तो कांग्रेस का वादा झूठा है सर कि आप 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं लोगों को? सर, बीजेपी का अभी ऐसा हाल है, वो एक कहावत है हिंदी में, कितनी सच है मालूम नहीं, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली गई. जी, तो बीजेपी की हाल अभी वैसे ही है. इन्होंने जितने भी घोषणाएं की, वो घोषणाएं इन्होंने पूरी नहीं की. इनको थोड़ा भी नैतिक अधिकार नहीं है कि दूसरे पार्टी के बारे में ऐसे बोलने के लिए कि जो पार्टी ने गए 75 साल में इस देश को जहां सुई नहीं बनती थी वहां से एक महासत्ता के द्वार पे आके खड़ा किया. तो इनको हक ही नहीं है ये सब चीज बोलने का. 15 लाख का वायदा इन्होंने किया. ये जो बातें करते, मैं आपके पहले जो जो बैठे थे, आई डोंट नो फ्रॉम विच पार्टी ही वाज, फ्रॉम द बीजेपी सर, बोल रहे थे कि हाँ, ये लोग बोल रहे थे कि ऐसा मुमकिन नहीं है. मैं सर याद दिलाना चाहता हूँ कि जब भी इंटरनेशनल मार्केट पे क्रूड ऑयल के बैरल का भाव 152 पेट्रोल फॉर 64-65 रुपीज लीटर इन इंडिया. दैट्स राइट, करेक्ट. तो हमारे लिए, कांग्रेस के लिए ये मुमकिन था, लेकिन जहां पेट्रोल बैरल का भाव $12-15 तक आ गया, तभी भी इन्होंने लोगों से 90 रुपया और 100 रुपया लीटर का पेट्रोल इन्होंने लोगों के जेब में हाथ डाल के पैसा निकाला. तो इनको नैतिक अधिकार ही नहीं है ये सब बातें करने का. और जिस तरीके से इन्होंने जीएसटी का पूरा, जिस तरीके से जीएसटी बिठाया, जिस तरीके से इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, नोटबंदी का इन्होंने नाटक किया, 2000 का नोट निकाला, 2000 का नोट अभी निकाल रहे हैं वापस, 500 का नोट बंद किया, 500 का नोट निकाला. तो इनको तो इकोनॉमी कहा किससे साथ खाया जाता है इनको पता ही नहीं है. इनके पास कुछ लोग नहीं है. प्रधानमंत्री अकेले एक शख्स है पूरे दुनिया में कि जिनको सभी चीजों का ज्ञान है. तो ऐसे सर्वज्ञानी प्रधानमंत्री के हाथ में हमारा देश है, तो ये कैसे इकोनॉमी चला सकते हैं? देश को तो 50 साल पीछे लेके गए सर ये. जी, यहाँ पर एक और चीज है वाघमारे साहब, कर्नाटक में और आज की तारीख में हम देख रहे हैं राजस्थान में बाय द वे प्रदीप जी, बिल्कुल सर, राजस्थान में जो अशोक गहलोत साहब के बजट में जो वादा किया गया था वो इस महीने से लागू होना शुरू हो गया है. बाय द वे ये बता दूं मैं लोगों को कि गैस का जो सिलेंडर है वो 500 रुपए में बिकना शुरू हो गया है और 100 यूनिट बिजली के फ्री में मिलने शुरू हो गए, यानी जीरो बिल, लोगों को जीरो बिल आएगा 100 यूनिट तक, और अगले 100 यूनिट 50%. तो मतलब ये लागू होना शुरू हो गया है जो भी आपने वादा किया था. और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार आपकी अभी कैंपेन चल रही है उसके अंदर भी आप ये सारे वादे आप कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं. मेरा ये कहना है कि ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, जो आपने यहीं पर आकर के प्रेडिक्शन करी थी इसी शो में, यू आर द फर्स्ट मैन टू से सो ऑल ओवर इंडिया, इन इंडिया यू आर द फर्स्ट मैन टू से सो कि 2024 के पहले पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के ऊपर शायद मोदी जी को चढ़ाई करेंगे और उसके ऊपर चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे. अगर मान लीजिए वो ना हो तो फिर तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी. अगर वो पीओके का मसला नहीं होता है, अगर ऐसे ही सब चलता है, तो मतलब कांग्रेस हैज अ वेरी गुड चांस सर, एटलीस्ट ऑफ डबलिंग और ट्रिपलिंग योर सीट्स. सर, आपने बिल्कुल सही कहा है और मैं आपको थैंक यू और आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने ये बात याद रखी कि आपके चैनल में पूरे भारत देश में मैं पहला आदमी था ये बोलने वाला कि 2024 के इलेक्शन में
प्रधानमंत्री जी जो पाक व्याप्त कश्मीर है जी उसमें चढ़ाई करेंगे और उसका मुद्दा इस चुनाव के लिए बनाएंगे। आज इनके पास उस मुद्दे के सिवाय भाजपा के पास दूसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने का जो काम था, जो इनकी फैक्ट्री थी, अभी लोगों को उसका भी पता चल गया है। तो हिंदू भी अभी बोल रहे हैं कि भाई हमको जय श्री राम बोलना है लेकिन पत्थर नहीं फेंकना है, और मुस्लिम भी यही बात बोल रहे हैं कि हमको अल्लाहू अकबर करना है लेकिन किसका घर जलाना नहीं है। तो दोनों कौमों को यह पता चल गया है कि हमको खिलाने वाले केंद्र में सत्ता में बैठे हुए, तो वो तो कुछ होने वाला है नहीं। रही बात लोगों के प्रश्नों की, तो लोगों की आम जनता की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए जो इकोनॉमी का पूरा ढांचा बिठाना चाहिए, ये इनके पास है नहीं। तो इनके पास वो नहीं है तो वो लोग उस आम आदमी के जरूरतों को ये संभाल नहीं सकते, क्योंकि ये काम करने वाले हैं सूट बूट की सरकार है, ये अदानी और अंबानी के लिए काम करेंगे, ना कि आपके और हमारे जैसे आदिवासी मजदूर और दलितों के लिए काम करेंगे। तो ये वो काम करने वाले है नहीं। तो फिर बचता क्या है? अगर इलेक्शन में आना है तो राष्ट्रीय तत्व का मुद्दा लेंगे, पाक व्याप्त कश्मीर के ऊपर चढ़ाई करेंगे और आगे आने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी ये भी भांडा हमने फोड़ दिया है, आई होप कि आपका चैनल के जरिए लाखों लोग और अलग अलग चैनल के लिए लोग सुनते रहेंगे, तो लोगों को यह पता चल गया है कि भाई पुलवामा का क्या किया इन्होंने, सर्जिकल स्ट्राइक का क्या किया, और वो सब करके जवानों के कंधे के ऊपर इन्होंने वोटिंग मशीन रख के अपने लिए वोट खरीदे। अभी वापस दूसरी बार तो ये होना वाला नहीं है, तो इनकी अभी मुसीबतें बहुत बढ़ने लगी है। वाडमारे साहब, यू नो दे आर बीजेपी इज अक्यूजिंग द कांग्रेस, दे आर सेइंग राहुल गांधी जब भी विदेश जाता है देश का अपमान करता है। Like he said, he went to US and then he started talking about opposition leaders being targeted, the minorities are being targeted, and he said especially the Muslims are being targeted. He talked against the way the parliament inauguration was there, just Prakash said, Modi sahab natmastak ho gaye the, and Singhal uthakar ek ritualism, ek tradition shuru kar diya tha. उन्होंने कहा कि वर्चुअल राज अभिषेक ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो बीजेपी अक्यूज़ेस व्हेनेवर ही गोज आउट ही ब्रिंग्स डिसऑनर डिसरिप्यूट टू द कंट्री, ही इज चैलेंजिंग आवर ट्रेडिशंस, ही इज चैलेंजिंग आवर रिचुअलिज्म, ही इज चैलेंजिंग जो बिलीफ्स जो हमारे ओरिजिनल बिलीफ थे उसको चैलेंज कर रहे हैं, टोटल हिंदुइज्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दैट सर, इज इट ऑन और इज इट स्पॉन्टेनियस व्हाट राहुल गांधी इज ट्राइंग टू एड्रेस द रियल इश्यूज अफेक्टिंग इंडिया? सर एक भी बात राहुल जी ने विदेश में जाके कही है वो एक भी बात अगर उन्होंने झूठी कही रहेगी तो कांग्रेस पूरी बीजेपी की माफी मांगने के लिए तैयार है। मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं कांग्रेस का, ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि एक भी बात हमारे नेता ने झूठी कही है, गलत कही है, तो हम माफी मांगते हैं ना। हमारे नेता ने कहा कि यहाँ मुस्लिमों को असुरक्षित महसूस होता है, सही बात है, यहाँ दलितों को असुरक्षित महसूस होता है, सही बात है, ये तो सब पूरे देश के दलित बोल रहे हैं, यहाँ महिलाओं को असुरक्षित महसूस हो रहा है तो वो भी बात सही है, क्योंकि महिलाओं के क्राइम जो है वो बढ़ गए हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट है 16% क्राइम बढ़ गया है गए 7-8 साल के अंदर। तो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच बात पूरी जनता के सामने रख रहे हैं। जब भी हम पूरे देश में जाके विदेश में जाके ये कहते हैं पूरी दुनिया में जाके कि नंबर वन डेमोक्रेसी इंडिया है, तो इंडिया का जो लोकतंत्र है उसका सबसे पहला अधिकार है संविधान का, और जिस संविधान में ये लिखा है कि हम धर्म निरपेक्ष देश, अभी धर्म निरपेक्ष देश के संविधान में ये लिखने के बाद उसका जो संसद है कि जो संसद है संविधान के नियमों से चलता है उसके अंदर जाके किसी एक धर्म के रिचुअल अगर आप करते हो उस रिचुअल को लेके आप आगे बढ़ते हो जिसका कुछ संबंध आज तक देश स्वतंत्र होने के बाद आया नहीं,
खाली चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तमिल लोगों का वोट शेयर हमारे पास कैसे आएगा वो ध्यान में रखते हुए अगर आप ये सब नौटंकी कर रहे हो, और वही नौटंकी जिसको हमने इस देश में कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है, और वही बात हम पूरे दुनिया के सामने बोल रहे हैं कि क्या है, यहाँ विरोधी अपोजिशन लीडर को टारगेट किया गया ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, ये बात गलत है क्या? तो सच है, मुझे एक भी बीजेपी का नेता दिखाई है जिसको ईडी ने कटघरे में खड़ा किया हो या सीबीआई ने कटघरे में खड़ा किया हो, तो है नहीं। तो पूरे देश के अंदर इतने 140 करोड़ की आबादी देश के अंदर, सिर्फ और सिर्फ विरोधी नेता वही ईडी के अंदर जा रहे, विरोधी नेता सीबीआई के साथ जा रहे, तो ये सब बातें तो गलत है ना सर। वाडमारे साहब, नौ वर्ष नौ साल सच बोल रहे हैं, तो सच बोलने के बाद इनको मिर्ची लग रही है और ये बातें कर रहे हैं। नौ वर्ष नौ साल नौ सवाल बीजेपी का कहना है, जो नौ सवाल आपने पेश किया वो पहला ही सवाल प्रश्न खड़ा करता है। यू टॉक अबाउट अर्थव्यवस्था, आपने जो जयराम रमेश मल्लिकार्जुन खड़गे ने नौ सवाल पूछे, उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स इज गॉन डाउन, इट्स टोटली डिवास्टेटेड, बट बीजेपी इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे रघुराम राजन एंड राहुल गांधी का जो इंटरव्यू था जिसमें रघुराम राजन ने राहुल गांधी जी से बोलते हैं कि देखो नेक्स्ट ईयर दिस ईयर द इकोनॉमी विल नॉट इवन टच 5% जीडीपी, एंड द बीजेपी सेज लुक फॉरगेट 5%, वी हैव रीच्ड 7.2% जीडीपी, जीडीपी ग्रोथ इज 7.2%। इसे जो पहला सवाल कर दिया रघुराम राजन के साथ राहुल गांधी ने, जो हमको कमजोर करने की कोशिश किए थे, saying that we will not grow more than 5%, we will not touch 5%, we have destroyed that myth of रघुराम राजन and we have touched 7.2 सर। सो द फर्स्ट सवाल ही आपका उन्होंने प्रश्न खड़गरे में खड़ा कर दिया सर। सर इसका जवाब मैं देता हूं, सिर्फ और सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब यूपीए की सरकार थी तभी जीडीपी किस तरीके से काउंट होता था वो पूरा तरीका बीजेपी ने बदल दिया, और तभी इस देश के नहीं दुनिया के महान अर्थतज्ञ मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि जिस तरीके से इन्होंने जीडीपी को गिनना शुरू किया है उससे और हमारे जीडीपी के गिनने में 2% का अंतर है। तो अगर ये 7.3 की बात कर रहे हैं तो बराबर है, रघुराम राजन ने कहा था कि 5% जीडीपी की ग्रोथ रहने वाली है, क्योंकि इन्होंने जो गिनने का जो तरीका है वही इस तरीके से बदल दिया है कि जिसमें 2% ज्यादा आता है। तो ये तो इनका सब बनावटी पान है ना सर। अगर 7.5 का जीडीपी का ग्रोथ है तो देश में ग्रोथ कहां दिख रहा है? देश में तो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी दिख रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, इंपोर्ट पूरी सर पे चढ़ा है, एक्सपोर्ट कम हो गया है, तो कहाँ है? किसान रो रहा है, विद्यार्थी रो रहे हैं, मजदूर रो रहा है, महिलाएं रो रही है, तो हंस कौन रहा है? हंस सिर्फ उद्योगपति हंस रहे हैं, हंस सिर्फ भाजपा वाले हंस रहे हैं, और हंसने का काम मोदी जी कर रहे हैं सर। तो बाकी तो पूरी जनता रो रही है सर। देव फडणवीस को भी इन्होंने यू नो रिस्पांसिबिलिटी दिया था कि नौ वर्ष में हमने क्या क्या काम किए उसको लोगों को समझाओ, उजागर कर दो, एंड देव फडणवीस है कि यू नो ही टॉक अबाउट पॉलिसी पैरालिसिस, बोले लकवा मार गया था एमबीए को और उससे पहले यूपीए को। He said from 2009-2013 आप देखो the economy came from 9.7 to some 4.6 or something. He says there was totally policy paralysis at that particular time, Manmohan Singh, and there was totally policy paralysis when the MBA was ruling under Uddhav Thackeray ji's chief ministership. He says the state went back, the country went back, and it is only now that they revived the economy. Ekanath Shinde, Dev Fadnavis has revived the economy now. You see development everywhere, in every district, sir, every taluka. Sir, yes sir. Sir, नेचर का एक नियम है, मैं कितना भी ढोल पीटू शादी करके
मेरा बच्चा 2 महीने में पैदा होने वाला नहीं, बच्चा पैदा होने को 9 महीने लगते हैं। इन्होंने सत्ता में आके ये 50 खोके की सरकार देवेंद्र फडणवीस की, ये सत्ता में आके कितने महीने हो गए? कोई इकोनॉमिक्स का जो स्टूडेंट है वो भी बताएगा कि इकोनॉमिक्स को टर्न करने के लिए कितना समय लगता है, कितने क्वार्टर हो गए ये आने के बाद। तो ये बातें कर रहे हैं कि इकोनॉमी को हमने टर्न किया। और मेरे ख्याल से देवेंद्र फडणवीस जी को मेरे ख्याल से अल्जाइमर डिसीज हो गया है, क्योंकि 20 और 21 में यहाँ जब हम सत्ता में थे तभी यहाँ कोविड था, शायद वो भूल गए कि कोविड यहाँ था, तो पूरी देश कोविड के पीछे काम कर रहा था। जो कोविड को अगर पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी हैंडल कर सकते थे, अगर पहले से पूरी सुरक्षा लेते थे, जब भी हमारे राहुल जी ने बताया था कि कोविड आ रहा है आप थोड़ी सावधानी बरतो, लेकिन उन्होंने सुना नहीं राहुल जी का और देश को पूरी तरह से पूरी कोविड के नरक में डाल दिया। तो वो 2 साल तो हमारे महाराष्ट्र के तो कोविड में गए। तो पॉलिसी पैरालिसिस करेंगे कि कोविड में लोगों की जान बचाएंगे, और जान बचाई इसीलिए एमवीए को WHO ने पूरी तरह से सम्मानित किया कि जिस तरीके से महाराष्ट्र ने इवन द सुप्रीम कोर्ट कोविड के अंदर काम किया, इवन द सुप्रीम कोर्ट द मुंबई मॉडल ऑफकोर्स यस, बट WHO तो चलो कोविड के बारे में जो हम बात कर रहे हैं डिजीज की, WHO ने कहा कि देयर वाज अ फैंटास्टिक वर्क डन इन महाराष्ट्र एंड मुंबई। नॉट ओनली द WHO सर, यू आर फॉरगेटिंग, एक मिनट, यू आर फॉरगेटिंग समथिंग, इवन द गवर्नमेंट्स ओन वर्किंग ग्रुप हेडेड बाय डॉक्टर के पॉल, द मोदी गवर्नमेंट्स ओन वर्किंग ग्रुप ऑफ ऑन कोविड हेडेड बाय डॉक्टर के पॉल प्रेज द ठाकरे गवर्नमेंट। यस यू आर राइट सर। तो उसमें तो मैं बोल रहा हूं, उसमें तो कोई दो राय नहीं, कोविड का काम करेंगे कि पॉलिसी पैरालिसिस का, इनको अल्जाइमर डिजीज होगा है, थोड़ा भूलने की बीमारी होगी। लेकिन सर इसके बारे में आपको बात करनी पड़ेगी ना, ज्यादा लोग तो भूल जाते हैं ना, लोगों को क्या याद रहेगा यार कोविड का। नहीं, नहीं सर, मैं तो बात करता ही हूँ, 24/7 बात करता हूँ और मैं सच बता रहा जी। अच्छा सर यहाँ पर एक और चीज है, सम आई डोंट नो व्हेदर यू आर अवेयर ऑफ दिस, अ न्यू सर्वे हैज कम आउट, CSDS एंड जननीति, दे हैव कम आउट विद अ न्यू सर्वे अबाउट द पॉपुलैरिटी ऑफ वेरियस लीडर्स इंक्लूडिंग मिस्टर मोदी। Now, Mr. Modi's popularity has not come down. It is exactly the same. In effect, it has remained stagnant, but it is already so huge कि उसके ऊपर जाना लगता है जरा नामुमकिन था. But the interesting part is, Mr. Rahul Gandhi's popularity, in effect, acceptability among the people, they say has really gone up after the Bharat Jodo Yatra. Bharat Jodo Yatra के बाद पूरे देश में राहुल गांधी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत ऊपर गई है। ऑफ कोर्स स्टिल मच बिलो मिस्टर मोदीज, बट इफ यू लुक एट इट फ्रॉम 2014 टिल टुडे इट इज देयर इज अ ह्यूज जंप। तो ये और आगे बढ़ेगी ये एक्सेप्टेबिलिटी, जो पॉलिटिकल मेच्योरिटी आज की तारीख में राहुल गांधी दिखा रहे हैं उसी तरीके से आगे चलेंगे? जी जी बताएं सर। एब्सोल्युटली राहुल जी की पॉपुलैरिटी अभी जो है उससे भी और बढ़ने वाली है, क्योंकि इन्होंने क्या किया 2014 में जब ये आए उसके पहले से राहुल जी को सिस्टमैटिक तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू पेड वर्कर्स को बिठा के उनकी इमेज को डैमेज करने का काम इन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। लेकिन वो एक कहावत है सर, मुर्गे को ढक के रखने के बावजूद सूरज उगने का उगता ही है, तो वैसा ही हो गया। आप कितनी कोशिश किए लेकिन सूरज का तो आज एक ना एक दिन उगना ही है। तो लोगों को अभी पता चलने लगा कि भाई राहुल जी के बारे में हम सब सुन रहे थे वो तो गलत है, यही आदमी ने कोविड के बारे में बोला था, यही आदमी ने हमको चाइना के बारे में सावधान रखने के लिए बोला था, यही आदमी ने महंगाई के बारे में बोला था, यही आदमी ने पेट्रोल डीजल के बारे में बोला था, और वो जो बोला था वो सब बातें सही निकली। भारत जोड़ो यात्रा में एक मजदूर से लेके आदिवासी से लेके कितने औरतें कितने यंगस्टर्स
कितने आईटी प्रोफेशनल्स रस्ते में खड़े रहने के कि भाई हमको बात करनी है, एंड एवरीबॉडी सॉ दैट कि इस तरीके से 3,500 से ज्यादा किलोमीटर चलना, धूप में चलना, रात में चलना और ये सब करके लोगों की बातें सुनना, हम सुनने के लिए गए थे। राहुल जी देश को सुनने के लिए जाते हैं, मोदी जी देश को सुनाने के लिए जाते हैं और यही सबसे बड़ा फर्क है राहुल जी में और मोदी जी। वाघमारे साहब, यू नो हाउ कैन यू बीट दिस रिपोर्ट कार्ड ऑफ मिस्टर मोदी, जो 9 साल का जो रिपोर्ट कार्ड मोदी जी पूरे गांव शहर सब जगह भेज रहे हैं। इकोनॉमी द फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, यूपीआई पेमेंट 126 लाख करोड़, राम मंदिर आर्टिकल 370 35A, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, ट्रिपल तलाक, स्वच्छ भारत, ये सब, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट्स देखिए, हमने एयरपोर्ट का हमारे पहले पूरे प्री मोदी देयर वाज टोटली इन ऑल दिस इयर्स देयर ओनली 74 एयरपोर्ट्स, बट पोस्ट मोदी यू गॉट 148, यानी डबल द नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इन एंटायर कंट्री। बोलो मेट्रो रेल सिर्फ 5 शहरों में था, आज 20 शहरों में मेट्रो रेल चल रहा है। यू नो एक एक आंकड़ा जो बोल रहे हैं सर, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू नॉट बिलीव। वाघमारे साहब, इफ द रिपोर्ट कार्ड ऑफ मिस्टर मोदी इज ट्रू, जो 9 वर्ष का है, जो मैंने आधा ही पढ़ लिया, उन्होंने पूरे सब जगह भेज दिए, तो हाउ आर यू गोइंग टू चैलेंज, हाउ मिस्टर राहुल गांधी इज गोइंग टू चैलेंज इन 2024 सर? Sir, we are going to challenge each and every point that what they are mentioning. It is a false and complete lie. They have done only 10-20%. They are talking about 100%. Ujala Yojana ke cylinder ki baat kijiye. Cylinder ki Yojana mein ye bolte hai ki humne sabko cylinder diya. 1 crore logon ne to ek baar bhi refill nahi kiya. 2 करोड़ लोगों ने सिर्फ एक बार रिफिल किया और 6 करोड़ लोगों ने सिर्फ 3 बार रिफिल किया, तो ये योजना तो पूरी तरह से असफल हो गई। इन्होंने स्वच्छ भारत योजना बनाई, स्वच्छ भारत योजना में भारत सरकार का रिपोर्ट है कि 65% टॉयलेट में पानी की सुविधा ही नहीं है। अभी पानी की सुविधाएं नहीं है उस टॉयलेट के अंदर, तो वो टॉयलेट तो गंदा ही रहेगा, तो उस टॉयलेट में कौन जाएगा? इसीलिए ये जो बोलते हैं कि खुला शौचालय हमने बंद किया, ये तो बात गलत है, क्योंकि जहां जहां इन्होंने बोला है कि हमने शौचालय बनाए, वहां लोग खुले में शौच को जा रहे हैं। उसका कारण ये है 65% टॉयलेट के अंदर पानी नहीं है। तो ये जो बातें कर रहे हैं, जो एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये बोल रहे 140 एयरपोर्ट हमने बनाए, आज कोल्हापुर का एयरपोर्ट भी है जो पहले से था, थोड़ा उसको दुरुस्त किया, फ्लाइट कितने जा रहे हैं? 1 या 2। अच्छा, इसमें फ्लाइट में जाने वाले लोग कौन है? तो हायर मिडिल क्लास और ऊपर से हायर क्लास के लोग। तो एयरपोर्ट का फायदा किसको हुआ और क्यों बनाए इन्होंने एयरपोर्ट? इन्होंने 140 एयरपोर्ट इसके लिए बनाए क्योंकि मेजोरिटी एयरपोर्ट are going to take care by Mr. Adani. So naturally Modi ji 140 kya 200 airport banaye. Aur ek baat aapko batata hu, wo baat abhi bahar aane wali hai. Kal hi Mr. Anurag Thakur ne ek statement diya ki humne abhi ek bada yojana hum leke aaye ki har block mein 2000 ton ka godown banega kyunki food ko हमको सेफली ग्रेन को रखना है जी। अब ये क्यों आया योजना? क्योंकि इसके पहले 3 साल से अदानी जी चुने गोडाउन खरीद रहे हैं और नए गोडाउन बना रहे पूरे देश के अंदर, तभी हमको मालूम था कि अगर अदानी जी गोडाउन बना रहे हैं तो कोई ना कोई फूड स्टोरेज का बिल या कोई ना कोई फूड स्टोरेज की योजना आएगी। बराबर आ गई। कल अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि 2000 टन के गोडाउन हर ब्लॉक में हम बनाएंगे, तो वो तो गोडाउन पहले से अदानी जी ने बना चुके हैं, अदानी जी ने खरीद चुके हैं, तो वही गोडाउन सरकार को भाड़े पे देंगे और पैसा तो वही कमाएंगे। तो ये जो हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए होगा। देश के युवाओं के लिए 9 साल में, देश के युवाओं के लिए 9 साल में इन्होंने रोजगार दिया नहीं।
देश के युवाओं का जो पूरा सिलेबस है उसको तेज नहस कर दिया, तो वो सब बर्बाद हो गए युवा। तो इन्होंने जो किसान को बोले थे हम डबल इनकम करेंगे, उनको तो किया नहीं ना, उनको एमआरपी उनको भाव दिया उसका एमएसपी का। तो इन्होंने जो देश की जनता जो 80-85% है, जो मजदूर है, वर्कर है, कामगार है, दलित आदिवासी किसान है, उनके लिए कुछ नहीं। एयरपोर्ट का फायदा उनके लिए क्या होने वाला है, वो तो बड़े लोग पैसे वालों का होगा। लेकिन वाघमारे साहब कहने का मतलब ये हुआ, वाघमारे साहब कहने का मतलब ये हुआ कि आज की तारीख में कांग्रेस की कैंपेन आपके मुताबिक काफी सफल हो रही है, तो लोकसभा 2024 के अंदर आपको क्या दिख रहा है, कांग्रेस कहां पर होगी? लोकसभा 2024 के अंदर कांग्रेस केंद्र में और यहां के बहुत से राज्यों में सत्ता पे आएगी। हमारे जहां जहां गठबंधन हो जाएंगे वो गठबंधन के साथ कांग्रेस सत्ता में आएगी, क्योंकि हर एक का एक ही ध्येय है किसी भी हालत में बीजेपी को सत्ता पे नहीं लेके आना। और उसी लिए जो जो स्टेट में जो जो पार्टियां मजबूत है, कांग्रेस किधर किधर कमजोर है, तो हम उनके साथ हाथ मिलाएंगे। लेकिन हम सबका ध्येय एक है कि किसी भी हालत में भाजपा को सत्ता से नहीं लेके आना है। और 200 सीट ऐसी है कि जहां भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला 1-to-1 है, वहां तो हमारी जीत तय है। और जहां हमारा गठबंधन रहेगा वहां गठबंधन के साथियों के साथ हम सत्ता पे आएंगे। लेकिन 2024 में केंद्र और बहुत से तो राज्यों भारतीय जनता पार्टी को आप क्या देखते हैं सर, कहां कहां रहेगी बीजेपी? सर भारतीय जनता पार्टी हम देखते हैं 130-140 तक ही रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं है। 130-140, राइट? यू हर्ड इट, यू हर्ड द मैन, मिस्टर राजू वाघमारे, नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ मेकिंग प्रेडिक्शंस। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर। नमस्कार और वंदे मातरम सर। थैंक यू सर। वी सीम टू हैव लॉस्ट, ओह वी गॉट हिम बैक। थैंक यू सर, वंदे मातरम सर, वंदे मातरम, थैंक यू। रियली ट्रूली वंडरफुल, मिस्टर वाघमारे सीम्स टू बी वन मैन हु इज नॉट स्केयर्ड of making predictions.